तो हाथों में और पैरों में मेहंदी लगा रही है। 12 बजने वाले हैं और हमने सोचा था 10 बजे तक चले जाएंगे, बट किसी दर्शकों अपना हमारी पूजा हो गई है, तो छुपे छुपे चलो देखते हैं। ओ भाभी चलो रॉबिन हुड चुलबुल बांडे। हेलो गाइस, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग ना मॉर्निंग की 8 o'clock से हो रही है और धूप ना बहुत ज्यादा आ गई है। तो आज का दिन ना मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है वट सावित्री का व्रत। तो इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरा वट सावित्री का व्रत ना मायके में सेलिब्रेट हो रहा है, नहीं तो इससे पहले मैंने सारे व्रत ससुराल में किए थे। इस बार ना वट सावित्री का व्रत समर वेकेशन में पड़ गया है, तो चलो फिर मायके में ही सेलिब्रेट करते हैं। अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ और आपको ना अपने साथ लेके जाती हूँ, यहाँ कालिका का मंदिर है वहीं पे होगा सेलिब्रेशन। तो चलते हैं सीधे तैयार। आज ना मेरे दोनों हाथों में और पैरों में मेहंदी लगा रही है, बगल में कब्बू दी रहती है और शिखाने देखो लग रही ना मस्त। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like. So अब मैं हो गई हूँ तैयार मंदिर जाने के लिए और आज का मेरा ऐसा लुक है। ग्रीन कलर की मैंने साड़ी पहनी है, बट ना मेरा ये नेल पेंट लगाने का कोई आइडिया नहीं था ग्रीन कलर का, रेड कलर का मुझे यहाँ मिला नहीं तो ग्रीन नेल पेंट लगानी पड़ी। वैसे भी सुहागनों पे रेड नेल पेंट अच्छी लगती है ना, अब क्या करें, मजबूरी है। मुझे यहाँ सामान भी बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि हम नगलानी गए ना और हम पंत नगर टिपिकली मतलब ना अंदर रहते बहुत ज्यादा, तो यहाँ बेसिकली बहुत कम शॉप्स हैं इसीलिए। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट जरूर करना। तो निकल गए हम लोग घर से और मेरे साथ देखो पीछे से मम्मी भी है और बच्चे भी है साथ में, और हम ना भी रोड में जा रहे हैं क्योंकि हमने बुक करा रखी टुक टुक, क्योंकि ना दूर है ना थोड़ा, पैदल धूप में कैसे जाएंगे, बच्चे भी साथ में। तो देखो हमारी टुक टुक ऑटो रिक्शा आ गई है, राधे राधे। तो अब ना 11 बजने वाले हैं और हमने सोचा था 10 बजे तक चले जाएंगे, बट किसी वजह से ना हमारे टुक टुक आ नहीं पाई। वो तो अच्छा हुआ धूप उतनी है नहीं, नहीं तो ना धूप में बहुत परेशानी हो जाती बच्चों के साथ। तो पहुंच गए हम लोग अपने लोकेशन पे और यहाँ से ना हमने कुछ सामान भी ले लिया है, तो चलो फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। पहुंच गए हम लोग टेम्पल और बहुत ही ब्यूटीफुल और बड़ा टेम्पल है, भीड़ भी बहुत ज्यादा होगी, बट मुझे ना आज बागेश्वर की बहुत याद आ रही हूँ कि हम सबके साथ मिलके वहाँ पूजा किया करते थे ना। चलो कोई नहीं, फिर इस बार ना यही सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ ना अलग अलग ग्रुप बने हैं महिलाओं की और अपने अपने पंडित जी से ना पूजा पाठ करा रहे हैं, तो एक ग्रुप में ना मैं भी बैठ गई हूँ, चलो फिर पूजा करते हैं। पूजा हमारी हो गई है, अब हम गए हैं वट के पेड़ के पास, वहाँ पूजा कर रहे हैं और बांध रहे हैं कलावा। और यहाँ ना आगे से भी बहुत लेडीज बैठी हुई हैं, तो बहुत ध्यान से ना रक्षाता का बांधना पड़ रहा है। दर्शकों अपना हमारी पूजा हो गई है, तो चलो फिर अब घर की ओर चलते हैं। तो जब हम मंदिर में आए थे ना इतनी भीड़ थी ना, अब तो बहुत कम हो गई है। उस टाइम पे ना मतलब वट के पेड़ पे रक्षा तागा बांधने जैसा नहीं हो रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी पहले। तो मुझे पूजा पाठ में 1 घंटा लग गया था और मम्मी इन दोनों शैतानों को संभाल रही थी, कभी कुछ चीज खिला रही थी कभी कुछ। बैठे हैं बाहर टुक टुक का वेट कर रहे हैं और पता नहीं आज मुझे शायद क्या हो रहा है, मम्मी सर बहुत भारी हो गया गाइस, गैस चढ़ गई, गैस एसिडिटी हो गई, बहुत फट रहा है सर। तो पहुंचने वाले अपने घर, उतर गए टुक टुक से और मैं नद भी उतार दी, मुझे ना वॉमिटिंग जैसी होने लगी बता नहीं गैस से। तो प्यारे दर्शकों अभी ना टाइम 4 o'clock हो रहा है
और पता नहीं क्या मुझे मंदिर में इतना अजीब हो गया था ना, शायद धूप की वजह से एसिडिटी हो गई थी, जो हो गया था मुझसे रहा ही नहीं गया और मुझसे ब्लॉग भी नहीं बन पाया। तो घर आके मैंने थोड़ा रेस्ट किया और थोड़ा मिनी ब्लॉग डाल दिया, मतलब एडिट करके। तो चलो फिर अपने लिए ना अब मैं चाय बनाती हूँ और शाम की तैयारी भी करते हैं इवनिंग की। तो इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं और मम्मी देखो यहाँ ना मेरे लिए स्पेशल खाना बनाने की तैयारी में। मैं कह रही हूँ इतनी मेहनत मत करो, फिर भी लगी हुई है। देखो यहाँ बना रही है रायता और दो टाइप की सब्जी बना रही है इतने गर्म में। और ना मम्मी मुझे कुछ करने दे रही, ऐसा मत समझना कि मैं कह नहीं रही हूँ, मुझे किचन में आने नहीं दे रही है। यार तो बोलता है बेचारी का, यार नहीं बोलूंगी कल से बोलूंगी, कल ऐसा बोलूंगी तो फिर बोलूंगी कौन सा डायलॉग नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल। चलो फिर आपको ना बाहर का हाल दिखाते हैं। और देखो अब धूप चली जानी चाहिए थी, अब तक धूप है ही और ऐसी नहीं कि बहुत हल्की धूप है, वो कहते हैं ना चटक धूप, वैसी वाली धूप है। और वहाँ खेतों में ना काम चल रहा है, तो देखो खेतों में ना रोपाई लगने लग गई। क्या कर रहे हैं, रोपाई लगा रहे हैं? धान के लिए पौधा रख रहे हैं। अच्छा धान के लिए पौधा रख रहे हो, फिर बाद में निकालोगे ना फिर? दूसरी जगह। अच्छा फिर खेतों में लगाओगे। तो देखो गाइस ऐसे चलता है यहाँ काम, इतने धूप में भी, कड़क धूप में भी लगे हुए हैं मेहनत करने में। तो चलो फिर अब ना मम्मी के खेतों में चलते हैं। तो कल ना मैंने यहाँ से ना एक लौकी तोड़ी थी और एक देखो यहाँ आई है, तो इसको टच नहीं करना है, मम्मी कह रही थी क्या पता खराब हो जाते होंगे। और एक ऐसे ही ना नीचे में भी है, देखो ये देखिए। कद्दू की बात करूँ ना तो पूछो ही मत, 5-6 कद्दू रखे किसी जगह पे और नीचे छुपे छुपे हैं। चलो देखते हैं। तो देखिए एक कद्दू तो यहीं पे ही है और दो कद्दू ना मम्मी ने सुबह तोड़े थे पड़ोस में देने के लिए और अंदर अंदर पे है। चलो देखते हैं, मुझे ना डर भी लगती है, यहाँ सांप आप भी होते हैं ना। एक ना देखो, दूसरा ये है, बड़ी ढूंढना पड़ रहा है मुश्किल से, नीचे नीचे छुपे हुए हैं ना ये लोग। इस साइड देखो ये दूसरा कद्दू है जरा, एक ना पैरेट ग्रीन कलर में देखो इधर। और पता है मम्मी क्या कह रही है, तो मेरे खेतों का नजर लगा रही सबको लौकी कद्दू दिखा के। देखो टमाटर भी हो रखे हैं, दो तीन तो मम्मी ने सुबह ही तोड़े थे, एक तो ये येलो रखा है और एक इधर पीछे है ग्रीन ग्रीन हो रखा है टमाटर। तो प्यारे दर्शकों मैं अंदर जा रही थी, मेरी नजर ना दो और छोटे छोटे लौकी पे पड़े। चलो दिखते देखते हैं। ये देखो नहीं दूर से ही कर रही हूँ मैं, ये देखो एक ये है और एक उधर छोटा छोटा बेबी, दो लौकी वाले बेबी। तो गाइस देखिए हमारे पड़ोस में ना कबूदी रहती है जिन्होंने मेरी मेहंदी लगाई थी, अभी बाइक चला रहे हूँ। कब्बू जी, अच्छा कब्बू भाभी, हाँ कब्बू भाभी, कब्बू भाभी चलो रॉबिन हुड चुलबुल पांडे, एक बार दिखाओ अपनी राइड। देखो कुछ दिनों बाद ना कब्बू भाभी मुझे भी सिखा देंगे ना भाई, दो दिन चलाओ ये डालते हैं। डरो मत, आराम आराम से चलाना। देखो आदि को एक फ्रेंड मिल गई यहाँ, लड्डू पड़ोसी हमारी, और दोनों साइकिल चला रहे, वेरी गुड। ओ आराम से चला बेटा, कबू भाभी रोड भी चला के आ गए। ओ बाबा गजब गजब। हे गाइस गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो कल ना रात को मैं फिर ब्लॉग आपको कंटिन्यू कर नहीं पाई, दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या खाया, क्योंकि ना रात होते मेरा सर और ज़्यादा भारी हो गया था, तो मैंने डिनर करके ना सीधे सो गई थी। और अभी हमारा ना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया है और मम्मी यहाँ तैयारी कर रही लंच की। चलो फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। अरे कद्दू शाग खाला पहाड़ी लोगो, कद्दू टूंगना शाग गोड़ी में आज मैं चेले आ रहा हूँ, चेल का कद्दू टूंगना शाग खाऊं मैं, खुशियाणी बोर्ड लगा रहा ही रात तक 5 बजे खुशियाणी बोर्ड में पढ़ाने गई हूँ, कद्दू टूंग रही मस्त मेरे को, आज चेल का कद्दू टूंगना शाग खाऊं, अभी आओ तो मेरा खाला कद्दू टूंगना शाग खोलू आपको वाह क्या गजब, इसका मतलब भी बताओ, व्हाट डज इट मीन? अच्छा क्यों? अच्छा किस्सा होगा पहले का ना। तो देखिए प्यारे दर्शकों मम्मी ने ना यहाँ कद्दू के टुके की पूरी सब्जी काट दी। तो अब समय आता है कि मैं इस वीडियो को ना यहीं एंड करूँ। हाँ मैं अच्छे से पूरा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ना मेरा सर बहुत ज्यादा भारी हो गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और देखिए वर सावित्री की पूजा के बाद ना ये जो कलावा होता है ना ये बांधते हैं,
तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना आसपास साफ सफाई रखिए। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।